बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मालम शाह वॉइस। टुडे आई एम इन योर फ्रंट विद एन वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट, वी विल डिस्कस अबाउट एंड आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ए न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अबाउट फ्रिक्शन। ओके, वी कैन डिस्कस दैट व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। This is our today's topic. But after to start this important video, I will request you to fully subscribe my this YouTube channel and also press the bell icon button that you will never miss you any update, any video from my this YouTube channel Malam Shah Wise, and also like and share this important video. जी तो दोस्तों, अपने YouTube channel Malam Shah Wise में आप सबको welcome करता हूँ and खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे, बेहतरीन टॉपिक है फिजिक्स में फ्रिक्शन। 9th की फिजिक्स है मेरे हाथ में और उसमें जो है तकरीबन 4th या 3rd नंबर चैप्टर है, थर्ड नंबर आई थिंक। सो थर्ड नंबर चैप्टर में फ्रिक्शन इंतहा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका और ये पेपर में ज़रूर इससे क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, या इसी तरीके से भी आता है कि राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। सो आपने ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसका पूरा तरीका और ये जो पूरा टॉपिक है ये मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करता हूँ, बिल्कुल स्पेसिफिकेशन इसकी करता हूँ डिटेल से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मालम शाह वॉइस को, और आप मालम शाह वॉइस पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट और ऐसी मालूमाती वीडियोस की जो अपडेट है वो इस चैनल से मिल सके और किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। क्योंकि मालम शाह वॉइस का हमेशा ये कोशिश होता है कि वो आपके लिए ऐसा कंटेंट लाए और ऐसी वीडियोज़ बनाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल और इंफॉर्मेशन उस पर होती है और अहमियत के हामिल होते हैं। सो फ्यूचर में जो है इंशाल्लाह हम इस मालम शाह वॉइस चैनल पे ऐसे ऐसी वीडियोस और ऐसे कंटेंट्स लाने वाले हैं जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, फ्रिक्शन की तरफ आते हैं। फ्रिक्शन क्या है? डिफरेंट यहाँ पे जो है हमारे साथ फ्रिक्शन मौजूद है, इसकी जो हमारे साथ क्या है स्पेसिफिकेशन है वो मौजूद है। सबसे पहले हम डिफिनेशन करते हैं, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स है, ये एक फोर्स है दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और अटेम्प्टेड मोशन बिटवीन सिस्टम एंड कंटेक्ट, क्या जो अटेम्प्टेड मोशन होता है या रिलेटिव मोशन होता है उसको अफोर्स करता है। दोबारा सुने, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अफोर्सेस रिलेटिव मोशन और अटेम्प्टेड मोशन बिटवीन सिस्टम एंड कंटेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। सो ये तकरीबन एक रोड है, ये हाथ जो है वो रोड है और ये गाड़ी है। सो ये गाड़ी यहाँ पे जाती है। सो ये जो ज़मीन है, जो रोड है, इसकी एक फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन जिसको कहते हैं। सो ये टायर्स को अपोज करता है कि ये टायर्स जो है वो फर्दर ना जाए। सो इसको हम फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज यूनिट इज़ न्यूटन। एक वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट क्या है? न्यूटन है। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन ये है, और एबिलिटी टू वर्क डिफेंस ऑन फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शूज एंड ऑन द ग्राउंड। हम जब ज़मीन पे चलते हैं, जब ग्राउंड पे हम चलते हैं, सो ये फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। जब फ्रिक्शन ना हो सो हम नहीं चल सकते। फ्रिक्शन होल्ड्स द स्क्रू एंड नेल्स एंड वुड, और स्क्रू जो होता है और नेल, ठीक है। सो ये जब वुड में आप इसको जो है धकेलते हैं, होल्ड करते हैं, सो ये भी फ्रिक्शन के तरीके से होता है। द लाइटनिंग ऑफ अ मैच स्टिक इज़ अनदर यूजफुल एप्लीकेशन, और जो मैच स्टिक होता है सो ये एक अनदर एप्लीकेशन है किस चीज़ का? फ्रिक्शन का। डिसएडवांटेजेस, इट्स स्लोस डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो है
चीज़ों को स्लो करता है, एनर्जी उसकी वेस्ट करता है टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मशीनरी एंड प्रोड्यूस वेयर एंड टियर और ये वेयर टेयर प्रोड्यूस करता है। सो वीडियो देता हूँ आपको पूछ लिया, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।